मैं सहिया का काम करती हूँ और 2007 से कर रही हूँ। सहिया में काम जैसे घरों का दौरा करना, एक एक घर जाते हैं, घूमते हैं, रोगों का पता लगाते हैं और उसे हॉस्पिटल तक पहुँचाते हैं। उसके बाद टीकाकरण में भाग लेते हैं हम लोग। टीकाकरण में बच्चों को टीका दिलाते हैं, गर्भवती माता को टीटी दिलाते हैं। उसके बाद प्रखंड बैठक जाते हैं, वो भी सहिया कार्य में ही आता है। उसके बाद हम लोग क्लस्टर बैठक करते हैं, गांव में ग्राम स्तरीय बैठक करते हैं। काम शुरू हुआ तो हम लोग को लगा कि गांव स्तरीय स्वास्थ्य के विषय में काम है, तो हम लोग को अच्छा लगा कि गांव का स्वास्थ्य के विषय में हम लोग काम करेंगे। और कैसा लगता है काम करने में? काम करने में तो अच्छा ही लगता है, लेकिन पैसा नहीं मिलता है समय पर तो ठीक नहीं लगता है। मानदेय क्या दिया जाता है? मानदेय तो हम लोग को पहले ऐसे कुछ नहीं दिया जाता था, अभी हम लोग प्रोत्साहन राशि में ही हम लोग काम करते थे। लेकिन फिलहाल अभी हम लोग को 1000 दिया जा रहा है, लेकिन वो विभिन्न तरह का बैठकों का दिया जा रहा है। अगर उस बैठक में हम लोग भाग नहीं लेते हैं वो, तो वो पैसा भी हम लोग का काट लिया जाता है। हम लोग तो कम से कम मैंने 2015 से हम लोग का 60,000, किसी सहियाओं को मैंने 50,000, किसी का 30,000, जैसा जैसा काम करती है लोग, जैसा जैसा उन लोग का पेशेंट है तैसा तैसा हम लोग का मैंने पेमेंट बचा है। कितना सहिया लोगों का भी पैसा बाकी है? 75 में मैंने शायद मैंने किसी को ऐसा नहीं मिला है जो हम लोग को मिलना चाहिए। खैला बाहर हम लोग भटक रहे हैं, धूपा में, पानी में, आधा रात के जौनी बेर जेह बेर बने हम लोग का पेशेंट को दर्द उठा, वही टाइम ने हम लोग को कान खड़ा रखते हैं कि हम लोग को पेशेंट को ले जाना है। ले जाके हम लोग सारा चीज़ करा देते हैं, से फिर भी हम लोग को मैंने नहीं मिलता है। शिकायत तो हर बार होता है, प्रखंड मीटिंग में पैसा नहीं मिलता है उसके विषय में शिकायत होता है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं होता है। हम लोग को भी तो पैसा का ज़रूरत है, बिना पैसा का कहाँ काम किया जाता है। जैसे हम लोग तो सेवा भाव से ही कर रहे हैं, लेकिन हम लोग का भी तो पैसा होना चाहिए। बहुत मुश्किल से घर चलता है, पति से भी डांट खाना पड़ता है।